हेलो फ्रेंड्स दुनिया में सबसे आसान स्किल जो कि आपको पैसा कमा के दे सकती है वो है डाटा एंट्री आज की वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्लाइंट का ऑर्डर फुलफिल कर सकेंगे और उससे पैसे आप अर्न कर सकेंगे सो so गाइस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और गाइस इसके बाद आप जितने भी देख रहे हैं आपने इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो मुझे ज़रूर बताना है कि आपको क्या चीज़ समझ आई क्या चीज़ समझ नहीं आई मैं सबके डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा ताकि आपने जो टाइम इस वीडियो को दिया है उसका हक़ अदा हो जाए सो गाइज़ अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको ऐसी बहुत सी स्किल्स सिखानी है सारा कुछ फ्री में और मैंने आपसे कभी भी एक रुपया भी इधर चार्ज नहीं करना सो गाइस लेट्स बी बैक सो so गायज इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ आपने सिंपल इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है जब ये क्लिक हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा अब गायस लोगों ने आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट इस तरह से दी होगी जिस तरह रिजल्ट कार्ड है अब देखें रिजल्ट कार्ड होता है उसमें सीरियल नंबर होता है फर्स्ट नेम होता है लास्ट नेम होता है ई एड्रेस होता है उसके बाद मार्क्स टोटल होते हैं मार्क्स गेन वगैरह होते हैं तो हमने आज ये वाला प्रैक्टिकल करना है All right guys, so अब इस चीज को गौर से आपने समझना है। मैं पे करता इसको हम क्या बोलते हैं रोज और जो चीज नीचे आ रही है जिस तरह टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट ये फोर्टीन से नीचे जितना भी है ये सारा क्या होता है कॉलम सो रोज कॉलम्स ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने समझ लेनी है ये अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका एक हैडर बनाएंगे हैडर के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड ठीक हो गया गाइस वो बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमने कॉलम के अंदर जो जो चीज़ें लिखनी हैं हमको सीरियल नंबर चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए लास्ट नेम चाहिए उसके बाद हमें क्या क्या और चीज़ें रिक्वायर्ड वो हम लिखते हैं इधर थोड़ा बहुत उसके बाद मैं आपको हैडर बनाना सिखाता हूँ हैडर बनाने के बाद हम बॉर्डर्स वगैरह लगाएंगे इसको ब्यूटीफाई करेंगे फिर गैस असल काम उसके बाद शुरू होगा जो सो गैस यहाँ पे पहले कॉलम को और पहली रो को मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ से सेकंड से स्टार्ट करूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ सीरियल नंबर सो इसको सीरियल और हैश कर दूँगा ठीक है गायज़ इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम आगे हम लिख देते हैं लास्ट नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर इस कॉलम के अंदर इसके बाद गैज़ ये जो ई वाला है यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स और ये जो एफ़ वाला है हम इसके अंदर जाके लिख देते हैं मार्क्स और राइट गायस सो ये हमारे पास देखें हमने बना लिया सीरियल नंबर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम स्टूडेंट का लास्ट नेम उसका रोल नंबर टोटल मार्क्स कितने थे उसने कितने हासिल किए अब इतना सा फॉर्म हमारा बन गया अब हमने क्या करना है कि ऊपर हमने एक एडर लगाना है एडर लगाने से पहले हम एक काम करेंगे कि ये सारे को सिलेक्ट करेंगे सारे को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेस दूंगा ये जितनी स्पेस दूंगा ना ये सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी सो गायस यहाँ पे मैंने इसको इतनी स्पेस दे दी ये देखिए आप कितना प्यारा बन गया सीरियल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रोल नंबर और ये टोटल मार्क और टेन मार्क्स अब गायस मैं एक काम और करने जा रहा हूँ कि ये जो पहला कॉलम है ना और ये इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आना है और राइट गाइज सो ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन अब आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एक दफ़ा समझना है वीडियो को बार बार देखना है वन लिख दिया वन लिखने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद ये जो देखें होम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करता हूँ अपने मैं अपने एडिटर को भी कह दूंगा इसको बड़ा करके जूम करके आपको दिखा दे ये देखें होम होम करने के बाद आपने जाना है फिल के ऊपर ये ये जो बटन है ये देखें फिल फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जाना है सीरीज़ के अंदर ये सीरीज़ देख लें सीरीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जाना है कॉलम्स पे कॉलम्स पे जाकर याद रखिएगा ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए और राइट गायज सो सिलेक्ट होने के बाद अब देखें मैं इसके अंदर ना टेन एंट्रीज या टेन एंट्रीज सिर्फ करने जा रहा हूँ आपने जितनी मर्जी आपका क्लाइंट जितना काम देगा आपने उतनी करनी है मैं टेन करूंगा ताकि आपको समझ लग जाए और हमारा टाइम भी बच जाए सो so, इसके बाद ओके okay करूँगा और आप मैजिक देखिएगा गायस देखें ये हमारे पास टेन एंट्रीज होगी अब मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपने हैंड से नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि मेरा टाइम बच गया और दूसरा मतलब इसका क्या है कि आपके एफिशिएंसी बच गई आपको गलती वगैरह का चांस कम हो गया और राइट गायस अब हमने क्या करना है ये देखें एफ से लेकर ए तक का आपने सेलेक्ट कर लेना ये किस तरह से करना है आपने ऐसे करना है गाइस जो माउस का लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है ना आपने उसको दबा के रखना है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और साथ में इसको मूव ऑन करते जाना तो ये आपका इतना सेलेक्ट हो जाएगा ये देखें हाईलाइट हो गया अब ये ए वाला रह गया था अब ये वाला भी रहेगा तो कंट्रोल ए करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ बल्कि इसको सारे को एक दफ़ा इकट्ठा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ जी से मैं इसको शुरू करता हूँ ये देखें ये इस तरह से आपने इसको ब्लू बना लेना है ये जब ब्लू बन जाए देन गायस देखें आपने इस जगह पर जाना है ये मिडल अलाइन है ये नीचे देखें ये सेंटर अलाइन है ये गायस चेक करें आप बॉटम अलाइन है तो हमने कहाँ पर जाना है ये सेंटर लाइन पे सेंटर लाइन हो गया फिर ये गाइस यहाँ पे देखें मिडल अलाइन कर देना ये दो आपके सेलेक्ट हो गए ये गौर से देख लें ये आपको जूम करके भी हम दिखा रहे हैं ये करने के बाद गाइस आपने अगला काम क्या करना है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है ठीक हो गया गाइस ये जब मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे देन आपने यहाँ पर लिखना है कि स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड गायज चेक करें अब एक प्रोफेशनल लुक नज़र आ रही है हम यहाँ पे एक और काम कर देते हैं हम ये जो जी सेलेक्ट हो गया था हम इसकी जगह लिख देते हैं परसेंटेज ताकि हमारा काम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए और राइट गायस अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेडर है ना इसका कलर चेंज हो जाए सो मैं यहाँ पर जाऊँगा कलर में और कलर में जाने के बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ सो मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला ये नहीं सही ये ग्रीन देख लेते हैं चलें ये ग्रीन कलर हो गया अब ये हमारा जो कलर है वो एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है ठीक हो गया गाइस इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं वो किस तरह से करते हैं आपने इधर जाना है इधर जाने के बाद ये फिल कलर से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना ये देखें चले मैं ये ऑरेंज कर लेता हूँ और राइट गायस इतना काम हो गया गाइस अब हमने इसको मजीद प्यारा बनाना है वो किस तरह से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐसे इतना सेलेक्ट करने के बाद गाइस अब मैं जाऊँगा यहाँ पर ये जो टेबल का प्यारा सा बटन नजर आ रहा है ना इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहां पे मैं दे दूंगा ऑल बॉर्डर्स ये प्यारा कितना बन गया गायस ये देखें ये होती है डाटा एंट्री आपकी शानसा काम है इतना मुश्किल काम है ही नहीं आप हर बंदा कर सकता है सो so गायस अब देखें अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना अब अगर तो मैं यहां पर हाथ से लिखने बैठ जाऊं फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम ये रोल नंबर ये दैन तो सदियां लग जाएंगी हमने ये काम नहीं करना हमने प्रोफेशनली ट्रीट करना है so सो उसके लिए क्या करेंगे हम हम जाएंगे फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शनस पे गौर से सुनिएगा ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है गायज क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे आप जाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखें ये मेरा ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पे एंटर हुआ हुआ है तो मैं एक दफ़ा इसको डिलीट करता हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको शुरू से समझा सकूँ सो so गायज यहाँ पे आपने जाना है इस जगह पे और यहाँ पर यह देखें ऑल कमांड्स डैट आर नॉट इन रिबन आपने इसको करना है क्लिक अब यहाँ से आपने नीचे आस्ता ऐसा मूव करना शुरू कर देना है ये देखें गाइस यहाँ पे नीचे जाते जाएंगे ये हमें फॉर्म नज़र आ गया यहाँ पे फिर ऊपर चला गया है हम इसको दोबारा ढूंढते हैं क्योंकि हमने इसकी जान नहीं छोड़नी ये गाइस देखें फॉर्म के ऊपर हमने करना है क्लिक क्लिक करने के बाद हम इसको कर देंगे ऐड एड। ये ऐड हो गया इधर इसको फिर आपने कर देना ओके सो गायज इतना सा काम किया अब आप आपने अब आपने अगला काम देखना है कि मैजिक क्या होने जा रहा है सो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ठीक है गाइस ये करने के बाद जिस तरह मैंने आपको पहले ये सिलेक्ट करवाया था ना आपने दोबारा सेलेक्ट कर लेने ये दस के दस कोने या जितने भी आप करना चाहते हैं पाँच पाँच करके आप अपना काम कर लें ताकि आपको आसानी हो सो गाइज मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पाँच ही करता हूँ ठीक है ये करने के बाद ये फाइव हमारे सेलेक्ट हो गए अब मैं जाऊंगा फॉर्म के ऊपर तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर ये रोज़ वगैरह ऐड करनी है अपने अच्छे बच्चों की तरह करना है यस प्लीज़ देखें सीरियल नंबर वन से शुरू हो रहा है फर्स्ट नेम क्या है जी जिया लास्ट नेम क्या है गीक रोल नंबर वन क्योंकि हम काम ही वही करते हैं जो वन नंबर वाला हो टोटल मार्क्स हंड्रेड टेन मार्क्स चलें जी ये आप डिसाइड कीजिएगा मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में बरल मैं यहाँ पे नाइन्टी नाइन ही लिखूंगा क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है मैं आपको अल्लाह का शुक्र अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ सो नाइन्टी नाइन ही कर देता हूँ सो इसको गाइस मैं करता हूँ सेव एट दिस ये हमारा स्टोर हो चुका है ये देखें परसेंटेज भी आ गई अब मार्क्स भी आ गए टोटल मार्क्स भी आ गए रोल नंबर भी आ गया नाम भी आ गया ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम सारा कुछ आ गया सो so गायज़ आपके लिए मैंने एक दफ़ा इनको दोबारा ब्लैंक कर दिया है अब मैं आपको एक डेमो और देना चाह रहा हूँ डैमो क्या है कि मैं पहले दो सेलेक्ट करूँगा ये देखें इस तरह से ये दो सेलेक्ट हो गए ऐसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर मैं फॉर्म पर गया इसको मैंने कहा ओके अब यहाँ पर मैं जल्दी से डमी डाटा ऐड करता हूँ ये कुछ भी होगा मैंने आपको एडिशन और डिलीशन करके दिखानी है रोल नंबर ये टोटल मार्क्स ये उपटेंड मार्क्स ये परसेंटेज ये ये मैंने कर दिया सेव सो गाइस यहाँ पे मैंने दोबारा उसको हाईलाइट किया है अब मैं आपको एक डेमो देना चाह रहा हूँ डेमो ये है कि अगर मैंने ये एक एंट्री की है और बाद में मुझे फील हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया देन मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे ये देखें सीरियल नंबर वन है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री वैल्यू है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इसको मैं ज़िया कर दूंगा और मैं दोबारा इसको स्टोर कर दूंगा स्टोर करने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है तो वो देखें वो स्टोर हो चुका है अब गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना डिलीट कर दूं तो डिलीट करने के लिए क्या करना है आपने उसी सीरियल नंबर पे जाना है इसको मूव करते जाना है ये ऊपर देखें नीचे देखें जिस तरह से आप मूव करेंगे ये आपकी एंट्रीज उधर ले जाएगा सो मैं इसको वन के ऊपर मूव करता हूं और यहाँ से इसको सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा ये गायस अगर वो कह रहा है कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा सो मैं चाहते यही यूं तो मैं इसको कर दूंगा ओके तो ये हमारे पास डिलीट हो गई है सो गायस मैंने आपको अब डिलीट करके दिखा दिया है एक काम मैं आपको और सिखाना चाह रहा हूं वो काम यह कि अगर आपने इनको एक्सटेंड करना हो देन वो आप कैसे कर सकते हैं सो so उसके लिए आपने क्या करना है कि यहां से सारा इसको सिलेक्ट करना है ये सिर्फ इसको अब ऐसे नीचे आते जाना है आपने ये जब आप एंड पे आएंगे ना देन आपने इसको छोड़ देना है ऐसे ठीक है जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपने इसको अब नीचे ऐसे एक्सटेंड करना है अब यहां पे मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये देखे ट्वेंटी तक चले गए ठीक है गायस तो आपने ये काम प्रैक्टिकली करना है एक दफा ना हो दूसरी दफा करना है दूसरी दफा ना हो तीसरी दफा करना वीडियो को बार बार देखना है जो मुझे खुद आती है जितना मुझे ये आता था, था मैंने आपको करवा दिया है अब अगली वीडियो में हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और राइट वीडियो में हमने देखा किस तरह से हमने एक टेबल बनाना है किस तरह से हमने उसका एडर बनाना है एडर की पोजिशन किस तरह से के अंदर हमने बॉर्डर्स किस तरह से देने हैं उसके अलावा हमने हमने देखा कि जो सीरियल होते हैं उनको ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह से करना है ताकि हमारा टाइम बचे इसके अलावा मैंने आपको सिखाया किस तरह से हमने as a professional, हमने एज अ प्रोफेशनल फॉर्म को यूज करना है ताकि हम उससे डाटा एंट्री कर सकें सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे जरूर आगाह कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं गायज इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप इसका नेक्स्ट वर्जन सीखेंगे जिसमें मैं आपको मजदीद कहूंगा कि किस तरह से आपने डाटा एंट्री की जो स्किल है जो कि अब आप, आप लर्न कर रहे हैं इसको पॉलिश करना है सो so गाइस आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और आपने बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे जियागी को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद